हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? मैं आपकी वरना फिर से हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज मैं आपको थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी का कलेक्शन दिखाऊंगी जो मैंने अपने लिए मंगवाया है। जो मेरे 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी है उनके लिए मंगवाया है मैंने। और अब जन्माष्टमी भी आ रही है तो उसके लिए भी मंगाया है। फिर छठी भी आएगी लड्डू गोपाल जी की। फिर आगे और भी त्यौहार आ रहे हैं तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो मेरी गोपाल जी की ड्रेस और सारा मटेरियल कैसा है, बताना जरूर मुझे। कितनी सुंदर ड्रेस है, ये ब्लैक कलर की ड्रेस है। ये भी मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए मंगाई है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, देखो बहुत सुंदर ड्रेस है मेरी गोपाल जी की। ये भी मैंने मंगाई है। और एक मैंने ये ड्रेस मंगाई है गोपाल जी की, पिंक कलर की। अच्छे से देखिए मोती का वर्क हो रहा है, इस पर स्टोन लगे हुए हैं और ये सारी कढ़ाई हो रही है। ये रेशम की कढ़ाई है, मोती का वर्क है इस पर। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, देखो ये फ्रिल लगी हुई है चारों तरफ। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और इसमें भी ये सारा है ना मोती का और शीशे का वर्क है इसमें सारा। ये देखो ये भी बहुत सुंदर ड्रेस है, मैंने अपने गोपाल जी के लिए मंगाई है। अब मैं आपको दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ। ड्रेस है गोपाल जी की जो मैंने मंगवाई थी, ये भी बहुत सुंदर है। ये मैं पहना चुकी हूँ, ये मैंने 1100 पे पहनाई थी। इसके साथ में ये पगड़ी है और बाकी मेरे पास और भी है येलो कलर की, मैं मैच करके कर देती हूँ। मेरे पे ब्लैक भी है, पिंक भी है, पगड़ी बहुत है तो करके कर देती हूँ। चलो अब अगली ड्रेस दिखाती हूँ मैं। ग्रीन कलर की जैसी वो ब्लैक कलर की थी सेम ऐसे ये मैंने तीज वाले दिन पहनाई थी लड्डू गोपाल जी को। देखो मैंने इसके 3 कलर मंगाए थे, एक ये मंगाया था, एक रेड मंगाया था और एक ब्लैक मंगाया था। इसके 3 मंगाए थे। जो मेरे को अच्छी लगती है ना तो वो मैं मंगा लेती हूँ, 2-3 पीस ही मंगा लेती हूँ। इनका डिजाइन एक सा है, सबका कलर अलग अलग है। ये 3 ड्रेस मैंने मंगाई थी, 6 नंबर के गोपाल जी है मेरे। तो अभी मैं दूसरी दिखाती हूँ आपको ड्रेस। देखो कितनी सुंदर ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, मुझे बहुत सुंदर लगी। इसके भी मैंने 2 कलर मंगाए हैं, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। देखो 6 नंबर के गोपाल जी हैं मेरे, बहुत सुंदर। मैंने पहनाई नहीं है अभी लड्डू गोपाल जी को, अभी पहनाऊंगी ये भी ड्रेस। मैं कब आ गया, अभी फेस्टिवल आ रहे हैं। इसके 2 कलर मंगाए हैं मैंने, एक ये है और एक ये है, एक ये ऑरेंज कलर और एक ही मजेंटा कलर। अब मैं इसकी दिखाती हूँ, मैंने इसकी कल भी मंगाई है ऐसे। इसकी ये लगा सकते हो आप ना, बहुत सुंदर होती है। अभी इसकी ना मोती निकल गए थोड़े से, मैं लगा लूँगी ये। देखो अभी बताती हूँ आपको, इस टाइप में है ये, इस टाइप में ये ऐसे बालों पे लग जाएगा ना तो बहुत सुंदर लगेगा। इसके साथ में देखो इसकी ये निकल गए ना, तो इस चक्कर में अभी मैं इसको जोड़ूंगी फिर दिखाऊंगी आपको ये अच्छे से। देखो बहुत सुंदर है और बहुत ही लो प्राइस में मुझे ड्रेस पड़ी है, बहुत ही सुंदर है। आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको इनका एड्रेस भी दे दूंगी। तो चलो मैं अपनी अगली ड्रेस दिखाती हूँ आपको। इतना वर्क देख सकते हो आप, कितना प्यारा वर्क हो रखा है इसमें। पीछे ऐसे इस पर बुकरम लगी हुई है ड्रेस पे और इसका बहुत ही सुंदर वर्क है। देखो बहुत ही सुंदर वर्क हो रखा है, ये मोती से और ये कौड़ी होती है ना, कौड़ी से शीशे से बहुत सुंदर वर्क हो रखा है। इतनी प्यारी ड्रेस है, बहुत ही लो प्राइस में मिली है मुझे ये और बहुत ही सुंदर है। इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी लगने वाले हैं। चलो मैं आप दूसरी ड्रेस दिखाती हूँ आपको। ड्रेस दिखाती हूँ, देखिए कितनी सुंदर ड्रेस है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। अच्छे से ऊपर से नीचे तक देखना इसको, बहुत सुंदर है। इसमें ये पल्स लगे हुए हैं, ये ऐसे इसका डिजाइन बना हुआ है, ये प्लेट डाल के डिजाइन बना हुआ है। इस पर ये डायमंड लगे हुए हैं, कितने प्यारे इस पर नग लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, कैसी लग रही है आपको बताना। ये सारी लटकन लगाई हुई है पल्स से, इतनी प्यारा काम करा गया है ना इस ड्रेस पे, बहुत ही सुंदर ड्रेस है। मैं इसकी वो दिखाती हूँ आपको, ये इसकी चोली रहने वाली है, ये इसकी चोली है और देखो ये इसका मुकुट है। मुकुट देखो कितना सुंदर मुकुट है इसका। मेरे लड्डू गोपाल जी जैसे जाएंगे जब पहनेंगे तो खुश हो जाएंगे लल्ला जी, है ना। बहुत सुंदर ड्रेस, बताना आप लोगों को कैसी लगी। आपको सबसे सुंदर ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने लल्ला के लिए जन्माष्टमी के लिए मंगाई है। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, मतलब आप देखोगे ना आपकी भी नज़र नहीं हटोगी। आप ज़रूर पूछोगे वरना ये ड्रेस कहाँ से मंगाई आपने, मतलब मेरे से भी मतलब वो इंतज़ार नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ फटाफट पहले आपको वही दिखाऊँ, तो चलो पहले मैं वही दिखाती हूँ आपको, देखना और बताना ज़रूर कैसी ड्रेस लगी मेरी। तो चलो रुको मैं अभी दिखाती हूँ आप, स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाई देती हूँ आपको, मतलब मैंने 2 मंगाई हैवी ड्रेस, मतलब एक तो दिन में पहनाएंगे एक रात को पहनाएंगे। आप लोग देखना कैसी है और बताना जरूर मुझे कि वंदना कैसी है ड्रेस। देखो अच्छे से देखना, देखो अच्छे से फोकस करो इस ड्रेस पे, कितनी सुंदर ड्रेस है ना।
बहुत ही प्यारी ड्रेस है, आप अच्छे से देखो मेरी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, इसका वर्क देखो कितना प्यारा वर्क है इसमें, है ना। और जो अभी एक नगीना है वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं है, ये तो छोटा छोटा डायमंड है अभी तो। ये अभी मैं इसकी पगड़ी वगैरह आपको दिखाती हूँ, इसकी चोली दिखाती हूँ ना, इसके पीछे लटकन में ऐसे ऐसे लगे हुए हैं देखो, ऐसे करके डिजाइन बनाया हुआ है, बहुत सुंदर ड्रेस है। और इसकी ये मलमल की चोली है, सुनील का कपड़ा लगा हुआ है, ये मलमल की इतनी सुंदर सी चोली है, देख कैसे शाइन मार रही है, ये इसकी चोली है। अब इसका मुकुट दिखाती हूँ मैं आपको, इसका मुकुट देखो जरा आप कितना सुंदर है ना इसका मुकुट, कितना प्यारा मुकुट है इस ड्रेस का। ये सस्ती वाली ड्रेस नहीं है, इसके साथ में ये आई है, ये किसके साथ में सेट आया है ड्रेस के साथ में, ये वाला इन्होंने सेट भेजा है मुझे ड्रेस के साथ में, और इन्होंने ये भेजा है मुझे कड़े भेजे हैं, ये बैंगल्स है इसके साथ में, और इन्होंने एक बांसुरी भेजी है मेरे को, बांसुरी ऐसे भेजी है इन्होंने, सिंपल है बांसुरी तो ये भेजी है। बताना कैसी लगी ये वाली ड्रेस मेरी। और अभी मैं दिखाती हूँ जो मेरा स्पेशल है, जो जन्माष्टमी वाले दिन पहनेगा मेरा लल्ला, वो दिखाती हूँ मैं। दिल थाम लीजिए, अब इंतजार की घड़ियाँ खत्म, और आप देखोगे मेरे लड्डू गोपाल जी की कितनी सुंदर ड्रेस है, आप लोग बताना कैसी लगी देखो। दिल थाम के बैठना अपना, देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, आपका भी दिल आ जाएगा इस पे, जिसने बनाई है क्या बारीकी से काम किया है, कितनी खूबसूरत ड्रेस बनाई है, कितना टाइम लगा होगा उन्हें ड्रेस बनाने में। ऐसे आएगी ये, ऐसे आएगी, ये हिस्सा आगे आएगा, ये पीछे आएगा, और इसके लटकन पे भी इतना काम करा हुआ है, देखो कितना प्यारा वर्क है लटकन पे भी, और देखो ये ड्रेस ऐसे आएगी लड्डू गोपाल जी के, देखो कितनी सुंदर ड्रेस है ना, बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बताना आप मुझे कैसी लगी। ये मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, और अभी इसकी मैं मुकुट बांसुरी आपको सब दिखाती हूँ एक एक करके, आप देखना इसका सेट मुकुट सब कुछ दिखाती हूँ। चोली है देखो, ये इस ड्रेस की चोली है, ये सुनील के कपड़े पे है, बहुत ही प्यारी बेलबेट की चोली है, बेलबेट की ही ड्रेस है, ये इसकी चोली है, इसका मुकुट देखो कितना प्यारा है, ये देखो इसका मुकुट देखो लग गया ना चार चांद, मेरा लल्ला भी खुश हो जाएगा पहन के कि हाँ मैया कुछ तो मंगा दिया आपने। ये मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है जो जन्माष्टमी वाले दिन पहनेगा, इस ड्रेस के लिए मैंने 2 महीने वेट किया है, बहुत रुला दिया उस ड्रेस देने में उन्होंने मुझे। अब मैं इसकी बांसुरी दिखाती हूँ आपको, ये देखो इसकी बांसुरी, ये मुकुट और ये बांसुरी है ना। अगर आपको भी चाहिए हो तो मैं इनकी आईडी दे दूंगी आपको, इसका आईडी अगर आपको भी मंगवानी हो, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस बनाती हैं ये खुद से बनाती हैं, कितनी प्यारी ड्रेस है ना। अभी मैं इसका सेट दिखाऊंगी आपको इनके सेट पे, ये देखो ये भी अपने हाथों से बनाया है उन्होंने, उन्होंने मेरे को क्योंकि मेरी ड्रेस बहुत लेट हो गई थी तो उन्होंने इस मारे मेरे को 2 सेट बना के दिए है, एक एक्स्ट्रा में दिया है अपनी तरफ से गिफ्ट, पहले ये देखा आपने, अब ये दूसरा सेट ये है, उन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट में दिया ये वाला सेट मुझे, उन्होंने बोला दीदी बहुत लेट होगी आपकी ड्रेस, इसलिए मेरी तरफ से एक सेट आपको, देखो ये सेट है इसके, और ये उन्होंने बैंगल्स दिए, ये बैंगल्स आए हैं इसके साथ में मुझे, और बस ये लिया। और एक इन्होंने इसके साथ में जो ये मैंने 2 ड्रेस मंगाई थी, एक ये वाली और एक ये पिंक वाली इससे पहले जो दिखाई थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से ये वाली ड्रेस भेजी है, ये कहते हैं हमारी तरफ से लड्डू गोपाल जी के लिए ये भी भेजी है उन्होंने, और एक ये सेट, ये दोनों चीज़ उन्होंने गिफ्ट में दिया अपनी तरफ से हमें, इस ड्रेस की और इस ड्रेस के साथ में। तो चलो अब मैं अगली ड्रेस दिखाती हूँ आपको, इतनी पहले मैंने आपको दिखाई थी, ये भी मैंने उम्मीद से बनवाई है, जिनसे वो अभी जन्माष्टमी के लिए बनवाई, ये मैंने दिवाली के लिए बनवाई थी, ये मैंने पहले ही बनवा ली थी, ये मैंने आपको दिखाई थी, देखो इस पर भी कितना प्यारा काम करा हुआ है उन्होंने, देखो कितना प्यारा काम है, ये नेट के ऊपर ड्रेस है, ये सारे रोजेस लगा रखे हैं, ये नेट के ऊपर ड्रेस है पूरी, इतना सुंदर वर्क करा हुआ है, और इसका भी मुकुट वगैरह बहुत ही सुंदर बनाया था, मैंने दिखाया ही था आपको, इसका ये मुकुट था और उसकी ये बांसुरी थी,
इस ड्रेस के साथ में ये मुकुट और ये बांसुरी आई थी, ये मैंने पहले भी दिखाया था आपको, ये दिवाली के लिए मैंने बनवाई थी ड्रेस। अभी मैं इसकी वो भी दिखा दूँ आपको एक बार फिर। और ये चोली थी इसकी, इसकी ये चोली आई थी और इसमें उन्होंने ये सेट भेजा था, ये भी हाथ से बना हुआ है, ये वाला सेट आया था इसके ड्रेस के साथ में, ये हाथ से ही बना हुआ है, ये इसके साथ में सेट आया था। और उन्होंने ये भेजे थे, बाल भेजे थे लड्डू गोपाल जी के लिए, ये वाले, ये बाल भी भेजे थे उन्होंने, बस ये भेजा था ड्रेस के साथ में। तो ये तो थी मेरी हैवी ड्रेस जो मैंने आपको दिखाई है जन्माष्टमी की। कुछ मैंने घर में अभी और फेस्टिवल आएंगे, जैसे गुगा नवमी आएगी, फिर छठी आएगी, अब ऐसे आते रहेंगे ना फेस्टिवल, तो उसके लिए भी थोड़ी, या फिर नवरात्रि आ जाएगी, गणपति जी आएंगे, तो इस बारे में थोड़ी जो मुझे अच्छी लगती है ना मैं फटाफट ऑर्डर कर लेती हूँ। और खैर मैं तो बोल रूँ, देखो वो भगवान ही है जो मेरे से करवाते हैं, लड्डू गोपाल जी कहते हैं मैया लाओ, तो बस उनका हुक्म मान के मैं फटाफट ऑर्डर कर देती, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, अभी मैं ना आपको थोड़ा सा, अभी एक मिनट रुको, मैं अभी आपको और चीज़ दिखाती हूँ थोड़ी सी। मंगाया ग्रे कलर का, देखो मेरे पे ड्रेस है ग्रे कलर की, तो मैंने वो मंगाया। और मैंने ये तीन पगड़ी मंगाई है, क्योंकि ये जो हल्की ड्रेस होती है ना मैं घर में डालती हूँ, तो किसी पे मुकुट नहीं चलता, तो ये पगड़ी है, इन पे नग वगैरह लगा के कुछ भी, तो ये पहना दो लल्ला को अच्छी लगती है, ये मंगवाई है। और मैंने ना देखो ये मंगवाए हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे पे जीरो साइज़ के लड्डू गोपाल जी नहीं है, लेकिन मैंने ये जीरो नंबर की मंगाई है। अब ये बताती हूँ मैंने मंगवाई क्यों है। अब जैसे नवरात्रे आ रहे हैं, तो हमारे माता रानी की जो मूर्ति होती है ना, उनके पीछे जो चक्र बना होता है, तो हमें मुकुट चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर की है ना, ये लल्ला, ये जो है इसमें, इसकी ये बाजू वगैरह निकाल देंगे यहाँ से, और ये ऐसे करके ना, फिर ऐसे करके लग जाएगा पीछे ये मुकुट, ऐसे करके इधर एक टाका लग जाएगा, ये हट जाएगा यहाँ से, तो ये ऐसे करके अटक जाएगा, तो ये मुकुट का बहुत सुंदर काम करेगा। तो इस मारे ये मैंने तीन मंगाई है, देखो एक से, अब नवरात्रि आ रहे ना, तो पीछे लग जाएगी ना, तो बहुत सुंदर लगेगी। मैं आपको जब करूँगी ना, तो आपको दिखाऊंगी इसकी भी वीडियो कि देखो कैसा लग रहा है। ये तीन मंगाई थी मैंने जीरो नंबर की, ये इसीलिए मंगाई थी, मेरे पे जीरो नंबर के हैं नहीं लड्डू गोपाल जी। और ये मैंने ना इनकी कुछ बांसुरी मंगाई थी गोपाल जी की, एक तो ये है, ये बांसुरी है, एक ये बांसुरी है मैंने गोपाल जी के लिए मंगाई है अभी, और एक ये बांसुरी है, अच्छा एक गोपाल जी की ये बांसुरी है जो मैंने मंगाई है, एक ये बांसुरी है और एक ये बांसुरी है। ठीक है, अब ये मैंने तीन चार सेट मंगाए थे, एक तो ये वाला सेट है, एक ये सेट है गोपाल जी का जो मैंने मंगाए हैं, एक ये सेट है, एक ये सेट है, अभी को एक ये सेट है, अभी और दिखाती हूँ आपको। एक मैंने ये सेट मंगाया गोपाल जी का, ये वाला सेट है, ऐसे ब्लू कलर में है ऐसा, एक ये सेट है गोपाल जी का, एक ये ग्रे कलर का सेट है जो मैंने मंगाया है गोपाल जी के लिए, और एक ये सेट है जो मैंने अभी मंगाया गोपाल जी के लिए। और मैंने ये कुछ ना इयर रिंग मंगाए हैं गोपाल जी के लिए ऐसे, ये देखो ये मैंने इयर रिंग मंगाए हैं लड्डू गोपाल जी के लिए, और ये ऐसे हैं, ऐसे चिपका सकते हो उनको, ये भी इयर रिंग है, ये सारे पेस्टिंग वाले हैं जो मैंने मंगाए हैं, देखो ये मैंने अपने गोपाल जी के लिए इयर रिंग मंगाए हैं, मैंने बहुत सारे तो लगा भी दिए हैं लड्डू गोपाल जी को, ये जो मेरे रखे हुए हैं अलग से अभी मैंने यूज़ नहीं किए हैं, ये वो हैं, ये देखो इसी में छोटे साइज़ में है, इसमें ही ये सारे ना ऐसे ही भेजे ना उन्होंने, एक एक अलग अलग बिखर गया है, ये सारे ऐसे इयर रिंग हैं मेरे गोपाल जी के, देख सकते हो आप, ये देखो उन्होंने ऐसे काट काट के भेज दिए ना, सब बिखर गया ऐसे ही गोपाल जी के लिए। और तो ये तो मैंने अभी जो मंगाए हैं वो हैं, और ये देखो मेरा एक डब्बा ये भरा रखा है, ये सारे मेरे गोपाल जी के जो मैंने अभी पहनाए नहीं हैं, मैंने पहनाए नहीं हैं अभी गोपाल जी को, ये सब वो हैं, और जो मैं पहनाती हूँ वो तो अलग से डब्बा भरा हुआ है। बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है, जो भी मुझे पसंद आता है मैं ऑर्डर कर लेती हूँ अपने गोपाल जी के लिए। तो ये देखो ये तो मैंने पहनाए नहीं है अभी गोपाल जी को, और ये जो ये मेरे मंदिर में बड़ी मूर्ति है ना उनके लिए हैं ये सब। अब नवरात्रि वगैरह आ रही है, जन्माष्टमी वगैरह आ रही है, तो बड़े राधा कृष्णा भी हैं मेरे पास में,
माता रानी भी हैं, शंकर पार्वती भी हैं, देखो उनके लिए भी मैंने सब मंगवा रखे हैं बड़े बड़े, तो आप लोग देख सकते हो मेरे पे कलेक्शन बहुत है, कोई कमी नहीं है। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप बताना, मैं इनका एड्रेस दे दूँगी आपको। तो अभी बस मैं आपको ना अब दिखाती हूँ जो गोपाल जी के लिए मेन होता है वो दिखाऊंगी मैं आपको। गोपियाँ, ये मैंने गोपियाँ मंगाई हैं जन्माष्टमी की डेकोरेशन के लिए, बहुत सुंदर सुंदर गोपियाँ हैं देखो, अलग अलग कलर के वस्त्र पहने हुए हैं। जहाँ पे खाना जी हो वहाँ गोपियाँ नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, फिर जन्माष्टमी अधूरी हो जाएगी। मैंने इसलिए फिर अब क्या से गोपियाँ भी मंगा ली, बहुत ही सुंदर गोपियाँ हैं, दिखाती हूँ मैं आपको भी। माला वाला सब इधर उधर हो रही है अभी। अच्छा एक गोपी ये है ना, इसका एक हाथ टूट रहा है, मैंने उनको बोला था अब ये चिपकाऊंगी मैं। देखो एक गोपी ऐसी आई है, इसका एक हाथ टूटा हुआ है, मेरा तो हाथ नहीं है इसमें, ये कैसे आई है, इसका हाथ टूटा हुआ है, मैंने उनको बोला था इसका हाथ टूटा हुआ है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, इसको तो इसी में रख देती हूँ मैं। और देखो ये मैंने मंगाई है मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतरी क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक सूरत दीवानी एक मूरत दीवानी। देखो ये मैंने दो पीकॉक का सेट मंगाया है ऐसे, मैंने ना लड्डू गोपाल जी का झूला मंगवाया है, अभी उसको डेकोरेट करना है मुझे। ये ऐसे दो पीकॉक आए हैं ऐसे इसमें लगे हुए, ये मैं झूले के ऊपर लगाऊंगी, जब मैं झूला डेकोरेट करूंगी ना तो आपको वो भी दिखाऊंगी। मैंने ये मंगाया लड्डू गोपाल जी के लिए, और अभी मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने उनके लिए मटकियाँ मंगाई हैं छोटी छोटी सी लड्डू गोपाल जी के लिए। अब की बात से जन्माष्टमी पे थोड़ा हट के ही कुछ करने का सोचा है, वो मेरा ब्लॉग आएगा आप देखना ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वन्ना को प्यार देना, और वीडियो मेरी कैसी लगेगी ये भी ज़रूर बताना मुझे। देखो ये ऐसे इसका सेट आया है, कि जन्माष्टमी के लिए मैंने सारी छोटी मोटी तैयारी की है ना वो दिखा रही हूँ आपको। और थोड़ा सा ना मैंने देखो एक मिनट अभी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मैंने ना ऐसे ये मटेरियल मंगाया है, ये मेरे को झूला वूला सजाना है, सिंहासन वगैरह बनाना है ना, इसके लिए मटेरियल मंगाया। अगर आप लोगों को भी चाहिए जो ये ड्रेस रखती है ना लड्डू गोपाल जी की, जिनसे मैं लेती हूँ वही देती है, तो वो आपको भी दे देंगी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, जैसे ये बीड्स है मैंने बीड्स वगैरह ये मंगाए हैं अलग अलग, ये डेकोरेशन के लिए ये छोटे छोटे दो मोर मंगाए हैं डेकोरेशन के लिए, देखो ये भी मंगाए हैं, ये अलग अलग तरह के बीड्स मंगाए हैं, ये सब चीज़ें मैंने मंगाई है। अभी तो फिलहाल जो मेरे को दिखा आगे वो मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपको और भी कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बताना, मैं इनका नंबर आपको दे दूँगी तो लिंक में दे दूँगी, या आप पर्सनल मेरे को व्हाट्सअप करना तो मैं आपको दे दूँगी नंबर। और आपको मेरी वीडियो और ये मेरी सखियाँ और ये मेरी ड्रेस कैसी लगी बताना, अगर आपको मेरा थोड़ा सा भी कलेक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करके जाया कीजिए, और मुझे कमेंट भी मेरी गोपियाँ और मेरे लड्डू गोपाल जी और उनकी फेवरेट मोर और ये मटकियाँ कैसे लग रही है बताना ज़रूर। और ये मीरा जी बैठी हैं पास में, मीरा बिना तो कृष्णा भी अधूरा ही है, और बताना आप कैसा लगा। तो है ना, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा। मीरा जी को देख के तो वही गाना याद आता है ना, सबको वही भजन याद आता है ना, तो बताना कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल जी और उनके सखियाँ और उनकी मीरा। तो आपको जैसी भी वीडियो मेरी लगी हो प्लीज़ बताना ज़रूर, अपनी वन्ना को ज़्यादा ज़्यादा प्यार करना, मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।